के साथ ही खेलता है क्या? खुदा खोलना है आपने? खुदा खोलोगे आप भी? आ जाओ थोड़ी देर भैया। उस टाइम में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो पता है कैसा लगा आपको कल का व्लॉग जो मैंने कल बनाया था? आपने पूरा दिन पूरी रात आपसे रूटीन शेयर करी थी हलीम की। तो कैसा लगा आपको? सारे फ्रेंड्स वगैरह से मिलवाया, आप पूरी फैमिली से भी देख चुके हैं आप लोग। सो आज नवम्बर में, तो आज मैं यहाँ आया हूँ। जैसे मैंने बताया सुबह ही आ गए थे हम लोग हलीम वगैरह बनाने के बाद, तो बाट वगैरह सब काम फिनिश करके हम लोग सीधा मैं और मेरे भाई भाई हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे। तब मैं यहीं पर हूँ आज, तकरीबन 9:30 बजे आके सोया हूँ यहाँ पे मैं, और 3:30-4 बजे उठ गया क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती भाई। और की फ़ायदा क्या रोज़े रखने का, इंसान नमाज ही ना पढ़े तो ऐसे रोज़े किस काम के। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, फ्री हो गए बिल्कुल। थोड़ी देर में हमें सामान मंगा रही है, सामान लेके आना है, फिर इफ्तार की तैयारी करेंगे, फिर इफ्तार करेंगे क्योंकि आपके भाई का रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बताया था मैंने आप लोगों को। तो शादी से ही मिलाएंगे आज आपको, शादी से दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। हम लोग शादी में भी गए हुए हैं, माँ अपने चाचू चाची के साथ बाहर। शादी जैसे आएंगे शादी से मिलाएंगे, फिर इफ्तार करते शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चले इफ्तारी का सामान लग चुका है भाई हमारी, ये इफ्तार का सामान तो लग गया हमारा। अब थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, फिर हम इफ्तारी करेंगे। ये शादी भी आ गए हैं भाई, थोड़ा अमीर भाई के साथ ही खेलना है क्या? खुदा खोलना है आपने? खुदा खोलोगे आप भी? आ जाओ थोड़ी देर भैया। अफ्तार में अफ्तार करते हैं, हलीम ने टेस्ट करा तो मैंने अब हलीम टेस्ट करूँगा अफ्तार के बाद। अफ्तारी हमारी हो चुकी है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब बस जा रहे हैं शादीन को लेकर डॉक्टर के पास। शादीन तबीयत सही नहीं है, बुखार बुखार सा हो रहा है। फटाफट चलते हैं शादी को लेकर डॉक्टर के पास, वहाँ से आते हैं फिर हलीम टेस्ट करते हैं। आपके भाई ने बताया हलीम टेस्ट नहीं करा, सिर्फ अफ्तारी करी है, अब हलीम टेस्ट करूँगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग भाई घर आ चुके हैं, क्योंकि वो समीर भाई को भी जाना था, कॉल आ गई उनकी दोस्त की तो वहाँ चले गए। मुझे भी ज़रा जाना था, मैं भी साथ उनके आ गया। शादी से इतनी बना सके नहीं, आपको शादी साहब सो गए थे तो मैंने कहा अच्छी बात, डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। तो हम दोनों भाई आ गए, हमें जाना है ज़रा ज़रूरी है, तो इसलिए हम घर आ गए। अब घर आ गए मैं, अब हलीम लाजमी टेस्ट करूँगा। मैंने अम्मी को बोला हलीम निकाल दें, अम्मी मेरा हलीम निकल जाए फिर टेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो हलीम भाई आ निकल चुका है हमारा। ये कलर देखें आप, थोड़ा लाइटिंग बहुत अजीब सा आ रही है। सब तारीफ़ कर रहे हैं मेरे, जितने भी फ्रेंड्स आए हुए थे, जितने भी हलीम मैंने बांटा है मोहल्ले में रिश्तेदार वगैरह में, सभी माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं। अब मैं टेस्ट करता हूँ, मैं पूरे दिन बाद अब जाकर टेस्ट कर रहा हूँ, शायद तकरीबन 10 बजे टेस्ट कर रहा हूँ हलीम में कैसा बना है। आप लोग बिलीव करें मेरा हाथ दुख नहीं रहा है माशाल्लाह से, इतना टेस्टली बना है माशाल्लाह हमारा। लगता है सेकंड शिफ्ट लगानी पड़ेगी मुझे, बैकग्राउंड पे हो रहा है वो मस्जिद में आवाज़ वगैरह हो रहा है, मिलाद वगैरह शायद इसलिए आवाज़ आ रही है पैसे। लेकिन माशाल्लाह हलीम बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह से। मुझे यही होता है इंसान की मेहनत वसूल हो जाए, और वो जितनी से करा है वो नहीं कबूल हो जाए बस। A few moments later. सुबह ही मैं अभी बैठा हूँ, बिल्कुल ही होश नहीं था। मैं वहाँ से आया एयरपोर्ट वाले घर से अपने आके ऐसा लेटा हूँ हलीम वगैरह खाने के बाद, जो होश नहीं रहा मैं कब सो गया, अचानक आग लग गई मुझे, होश नहीं रहा मैं कब सो गया। और अभी उठो मैं सहरी की, मैंने उठाया मुझे भाई उठ जाओ सहरी खेल लो टाइम हो रहा है। इतनी कॉल्स आई मेरे दोस्तों की, मेरे दो प्लान से, यानी कि मुझे जाना था दोस्त के घर हलीम था, वहाँ भी जाना था मुझे लाजमी। मुझे कॉल कर दी बेचारे ने यार, बात नहीं रहते आगे। उसके अलावा मुझे मुबाइश जाना था दोस्तों के साथ, मैं हर साल जाता हूँ अलाना अली अकबर सुनने के लिए मुबाइश पे। तो इतनी कॉल्स आई सबकी, मुझे होश नहीं था, सब मैश कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं विश करने के लिए बर्थडे भी आज भाई के आपके, तो कोई मेरे यार कोई खुशी नहीं है इतना बर्थडे पे ना, क्योंकि जिस दिन मेरी बर्थडे पड़ी है ना इतना बड़ा दिन, और आज बर्थडे आई है मेरी, तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा यार सेलिब्रेट करने का ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मैं चाहूँगा सेलिब्रेट करूँ
थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सबने मुझे इतना प्यार दिया, सबने इतनी दुआएं दी मुझे। सो मैं दिल नहीं है यार इस बार बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बस अम्मी अभी मेरी सहरी निकाल रही हैं, फटाफट सहरी करते हैं। सहरी हमारी आ चुकी है, ये है चने की दाल, गोश्त, पराठा और लस्सी। लस्सी मस्त है, चाहे रमज़ान के रोज़े हों, मुहर्रम के रोज़े हों, किसी भी महीने के रोज़े हों, लस्सी मस्त है। चाय भी आ गई हमारी में, फटाफट सहरी करते हैं, फिर उठते हैं, कल मिलते हैं, क्योंकि आज का और कल का ब्लॉग साथ होगा, मतलब 9 और 10 मुहर्रम के ब्लॉग मतलब साथ ही बनाऊँ, क्योंकि बहुत थके मैं, सब थके मैं, टाइम नहीं गया, रोज़ा भी होगा, इसलिए मैं साथ दोनों ब्लॉग, दोनों दिन के ब्लॉग मतलब एक दिन में मतलब। A few moments later, अब जा रहे हैं जुलूस की तरफ, तो राफे और हसन मुझे लेने आए, साथ जा रहे हैं मेरे दोनों। काफ़ी लेट हो गया, मसर के बाद निकलना, अल्लाह करे मिल जाए हम लोगों को, चलते हैं फटाफट, देखते हैं अल्लाह करे मिल जाए। चलो यार भाई, रास्ता हम लोगों ने जरूर फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जरूर मिला नहीं, जल्दी पकड़ता लगा जरूर मिल जाए, बहुत कोशिश करिए जरूर सबको मिल जाए, जरूर मिल जाए, बहुत फॉलो करते भाई, लेकिन यहाँ हम लोग फाड़ दर पहुँचे हैं और लास्ट यही था जुलूस को तो खत्म हो गया। आप जरूर जा रहे हैं भाई, रोजा यार भाई का थोड़ा ज़्यादा तारीफ करें यार, माल लूँगा रास्ते से, अब चलते हाँ भाई। राफे हसन क्या हुआ, लेट मेरी वजह से होगा यार, मेरी तरफ थोड़ा खराब हो गई, सो गया था हम लोग आया, नहीं मिला, अब इंशाल्लाह 7 दिन के बाद जाएंगे, हमें देखने क्या होगा। चलो यार चलें भाई, बहुत देर हो गई है, वापस बाहर हो के आ रहे हैं और कार में टाइम बचा नहीं है, सामान लेके आ रहा था घर पे, सामान मेरा रह गया है, अब फटाफट घर से आ रहा हूँ, टाइम बहुत गया हमारे पास, पहुँचा हुआ 2 मिनट पहले, अफ्तार का सामान लाने बोलता अम्मी ने मुझे, लेकिन मैंने कहा तो बाहर अफ्तारी कर लूँगा, अब मैं घर आया हूँ तो बस हलीम वगैरह और ये न्याज के कुछ चावल वगैरह हैं, ये हलीम है और ये छोलों का चावल है और शरबत वगैरह और खीर, इसी से अफ्तार करेंगे, टाइम हो गया, अब दुआ वगैरह करते हैं, अफ्तार बाद मिलते हैं हम लोग। A few moments later. So, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, उम्मीद है आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। यार ब्लॉगिंग पे मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल का एक इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आपसे, मैंने पहले भी शेयर करा था, इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा तो मैं फिर प्रॉपर टाइम दे सकूँगा। अब देखता हूँ, कभी जल्दी ब्लॉग आ जाते हैं, कभी पूरे दिन नहीं आते, कभी एक दिन बाद आता है, जब इशू मेरा ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद है आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई को अपने, यार जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ब्लॉग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करें आपको कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।